जय हिंद प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का टी एस सी क्लासेस भाई अंकित सर में फ्रेंड्स आज ये वीडियो बात करेंगे हम याद या मैथ का प्रैक्टिस नंबर होने वाला है तो अभी हमने पहले प्रैक्टिस को कराया है उसका जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से जाकर अगर आपने पहले भी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न को लेकर आए हुए हैं तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम फर्स्ट प्रश्न पर जो जैसे देखते हैं यहाँ पर पहले हम इंडेक्स की बात करते हैं तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं पहले हम इंडेक्स की बात करेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे इंडेक्स से आपको पता चलेगा कि हम कैसे यहाँ पर लेवल आने वाला है जैसे बात करते हैं पहला प्रश्न कुछ इस तरीके से आने वाला या फ्रेंड्स सिंपलीफिकेशन का प्रश्न लिया गया है आगे सेकंड है यह फ्रेंड्स होने वाला है रेशियो का यह आयु संबंधित प्रश्न होने वाला जो रेशियो में आता है अनुपात में आगे यह फ्रेंड्स होने वाला है यह टेक्नोमेट्री का प्रश्न है आगे यह फ्रेंड्स होने वाला टू का यह भी होने वाला फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ पर होने वाला यह भी अनुपात का रेशियो का है आगे फ्रेंड्स यह भी फ्रेंड्स यह होने वाला है सीपी का सीपी और एसपी का प्रश्न होने वाला है अगला प्रश्न है एक रेस महिलाएं चक्कर यह फ्रेंड्स होने वाला है जीव, यह भी स्पीड का टाइम स्पीड एंड डिसेंट का प्रश्न होने वाला है यह फ्रेंड्स थ्री का है यह भी फ्रेंड्स होने वाला है या भी सीपी और एसपी का होने वाला है आगे यह फ्रेंड्स होने वाला किरण फैक्ट्री से इतना मतलब कि यह होने वाला टाइम वर्क का आगे फ्रेंड्स यह सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है सिंपलीफिकेशन में हम कहेंगे यह होने वाला है बीजगणित का आगे फ्रेंड्स दो वृत्त यह भी फ्रेंड्स 2D का प्रश्न है आगे आगे फ्रेंड्स हम कहेंगे यह भी सिंपलीफिकेशन का प्रश्न होने वाला है हम कहेंगे यह औसत का एवरेज का प्रश्न है आगे फ्रेंड्स यह 3D का प्रश्न होने वाला है तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम इसमें प्रश्न लेकर आए हुए हैं तो जो कि आज हम बात करते हैं पहले प्रश्न से तो जो पहला प्रश्न दिया गया इसमें यहाँ फ्रेंड सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते है? पांच चौक बीस एक इक्कीस इक्कीस बटा चार और भागे है तो भागे पहले लगा देंगे पहले हम का को काटते हैं तो का मतलब कि यहाँ से चार है चार गुड़े करेंगे तीन दूनी छः और एक सात सात बटा तीन हम कर देंगे जब सात बटा तीन करेंगे सात चौक अट्ठाईस और तीन अब यहाँ से इक्कीस है तो इक्कीस बटा चार करेंगे तो यहाँ से बटे में जो है वो आप पलट जाएगा इधर वाली भिन्न पलट जाएगी तो तीन बटे अट्ठाईस निकल के आने वाला है जब इसको काटेंगे सात तरीक इक्कीस सात चौक अट्ठाईस सात चौक अट्ठाईस तो तीन तरीक का नौ बटा सोलह नौ बटा सोलह निकल के आने वाला है इसका मान नौ बटे सोलह इसका मान निकल के आ रहे हैं फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखेंगे दो बटा तीन और गुड़े करेंगे पाँच बटा चार और यहाँ से फिर गुड़े है आठ है तो चार दूनी चार से काटेंगे इसको चार दूनी आठ तो दो दूनी चार बटा तीन बाटा चार पाँच चौक बीस बीस बटा तीन निकल के आने वाला है फिर आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम आगे देखें जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो चार बटा पाँच और गुड़े दो बटा तीन कर देंगे और फिर है यहाँ पर आठ भागी जब यहाँ से निकालेंगे हम पाँच तई चार दूनी आठ पाँच तई पंद्रह पंद्रह बटा आठ और गुड़े में बदलेंगे तो यहाँ पलट जाएगा सही है पलट गया, गया हमने पलट दिया आठ यहाँ से आठ से आठ चल जाएगा तो बचेगा पंद्रह पंद्रह यहाँ पर बचेगा और पंद्रह का है तो का मतलब गुड़ा हो जाएगा का मतलब कि गुड़ा हो जाएगा यहाँ पर पंद्रह हो जाएगा तो यहाँ से इसको काटेंगे पान तिहाई पान तिहाई पंद्रह पाँच तिहाई पंद्रह आ जाएगा पाँच तो बार तो बीस पंचे सौ निकल के आने वाला है सौ यहाँ पर निकल के आ रहा है फ्रेंड्स सौ निकल के आ रहा है उसके बाद यहाँ पर दिया गया भागे भागे और आठ बटा तो यहाँ से पहले हम का वाला निकालते हैं तो का वाला यहाँ पर नौ बटे सोलह आ रहा है नौ बटे सोलह गुड़े आठ बटे नौ आठ बटे नौ तो जब नौ से नौ काटेंगे आठ दूनी सोलह दो निकल के आ जाएगा हम कहेंगे एक बटा दो और भागे है भागे को हम गुड़ा में बदलेंगे तो इधर सौ है तो सौ पलट जाएगा मतलब सौ ऊपर आए तो एक बटा सौ निकल के आ जाएगा तो इसका मान जो आने वाला है वह 200 दो सौ आएगा मतलब एक बटा दो सौ निकल के आ जाएगा तो एक बटे दो सौ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात अगर हम ए है या और या बी है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया है आठ अनुपात पंद्रह दिया गया है आठ वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात छः अनुपात तेरह था आठ वर्ष पहले कितना का अंतर आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का हम कहेंगे आठ वर्ष पहले तो आठ वर्ष पहले या ऊपर चला जाएगा तो छः और तेरह का अनुपात निकल के आ रहा है आठ वर्ष का पहले का है आगे अब से आठ वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा अब से हमको यहाँ से आठ वर्ष बाद का निकालना है कि क्या निकल के आने वाला है इनकी आयु का अनुपात तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड छः और दो आठ इनकी आयु में दो का अंतर आ रहा है और यहाँ पर भी दो का अंतर आ रहा है हम कहेंगे यहाँ पर दो का अंतर मगर वैसे तो आठ का अंतर दिया गया है तो दो बराबर आठ निकल के आ जाएगा तो एक बराबर चार आ जाएगा एक बराबर चार आ जाएगा अगर हम यहाँ से एक ही वर्तमान आयु निकालते हैं तो आठ चौक बत्तीस आएगी और बी की निकालते हैं तो पंद्रह चौका 60 साठ आएगा तो कहा गया है कि आठ वर्ष बाद आठ वर्ष बाद यह हो जाएगा बत्तीस साठ चालीस का और यह निकल के आने वाला आठ वर्ष बाद साठ और आठ अड़सठ का निकल के आने वाला है तो ए और बी की आयु का अनुपात मतलब चालीस बटे अड़सठ कर देंगे हम यहाँ से तो चालीस बटे अड़सठ करेंगे तो जिस इसको हम द, चार से काटेंगे तो दस चौ चालीस और फिर इसको हम चार से काटेंगे तो चार एकनम चार और दो अट्ठाईस चार एक नम चार और दो अट्ठाईस सत्रह चौका अड़सठ चार बटे सत्रह निकल के सॉरी दस बटे सत्रह निकल के आ जाए कितना है दस बटे सत्रह तो दस अनुपात सत्रह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यह ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम जानते हैं साइन थीटा साइन तीस डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स साइन तीस डिग्री का मान एक बटे दो होता है अगर हम एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो एक बटे चार निकल के आ जाएगा एक बटे चार हो जाएगा और पैंतालीस डिग्री का मान क्या होता है एक बटे अंडर रूट दो होता है एक बटे अंडर रूट दो मतलब कि एक बटे दो निकल के आ जाएगा इसका वर्ग करने पर प्लस चार गुड़े तीस डिग्री का मान टेन तीस डिग्री का मान क्या होता है वन अपान अंडर रूट तीन तो वन अपान अंडर रूट तीन का अगर वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो इसका मान निकल के आने वाला है एक बटा तीन गुड़े एक बटा तीन प्लस का एक बटा दो एक बटा दो उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर नब्बे डिग्री का अगर हम फ्रेंड्स साइन स्क्वायर नब्बे डिग्री का मान बात करते हैं नब्बे डिग्री का मान एक होता है तो गुड़े एक करेंगे एक का वर्ग एक ही आएगा प्लस दो गुड़े कास्ट नब्बे डिग्री का मान होता है फ्रेंड जीरो होता है तो दो गुड़े जीरो निकल के आ जाएगा तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम एक बटा आठ प्लस चार बटा तीन और प्लस का एक बटा दो और प्लस का जीरो और यहाँ से निकल के आने वाला है आठ तीन और दो का एल्सियम लेंगे तो आठ थ्री चौबीस निकल के आने वाला है तो चौबीस से जब इसको हम काटेंगे तो यह जाएगा तीन बार तीन मतलब कि तीन प्लस की और यह जाएगा आठ बार आठ चौक बत्तीस और प्लस का यहाँ से बारह बार बारह निकल के आएगा अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो दो दो चार और तीन सात दो दो चार तीन सात और तीन और एक चार चौरा सॉरी तीन और एक चार सैंतालीस बटा चौबीस निकल के आ जाएगा तो सैंतालीस बटा चौबीस पर फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया गया है हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है समझ तो में आया तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में ए यम जो है वह बी सी पर लंब है अब यहाँ से त्रिभुज हम ए बी सी निकालते हैं यह त्रिभुज ए बी और सी दिया गया है तो बताया गया है ए एम जो है वह बी सी पर लंब है यहाँ से ए एम जो है या इसका मान यम है यह बी सी पर लंब है सही दिया गया तो ए एन जो है वह है कोण ए का समिभाजक है अगर हम ए का आसमिभाजक करते हैं तो फ्रेंड्स हम कहेंगे ए का समिभाजक जो आएगा वह इधर भी आएगा इस लाइन पर और इस लाइन पर हम इधर मान मान लेते हैं इस लाइन पर आ रहा है इस प्रकार से ए का समिभाजक कौन है ए एन है यहाँ पर ए एन निकल के आ जाएगा तो आगे फ्रेंड्स दिया गया है आगे बात करते हैं यदि कोड बी बराबर पचपन डिग्री इसका मान दिया गया पचपन डिग्री और कोड सी बराबर दिया गया पैंतीस डिग्री इसका मान दिया गया पैंतीस डिग्री तो कोड हमको बताना है कोड यम, यम ए एन कोड यम ए एन का मान मतलब इस कोड का एंगल हमको बताना है कि क्या निकल के आने वाला है अगर फ्रेंड्स इन दोनों का मान दिया गया है तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं कोड यम एन का मान निकालते हैं तो इसका मान निकल के आना होता है इसमें से इसको घटा देंगे मतलब पचपन में से अगर हम पैंतीस को घटाते हैं और बटे का दो करते हैं तो यही निकल के आना फ्रेंड्स इसका मान इस कोड का माप निकल के आ जाएगा तो पचपन में से अगर हम पैंतीस जाएगा तो बीस आएगा बीस का बटा दो करेंगे तो दस निकल के आने वाला है तो हम कहेंगे कोड यम एयन का मान निकल के आ रहा है दस डिग्री तो दस डिग्री इसका आंसर निकल के आ जाएगा तो दस डिग्री आंसर किस में दिया गया फ्रेंड्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स तुरंत चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यक्ष रुपये की एक राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है यक्स रुपये की राशि है इसके बीच ए बी और सी के बीच इस प्रकार से वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात सात अनुपात बारह है ए बी के शेयर का अनुपात कितना है ए और बी के शेयरों का अनुपात सात अनुपात बारह है और बी और सी के शेयरों का अनुपात आठ अनुपात पाँच है बी और सी के शेयरों का अनुपात आठ अनुपात पाँच है तो यहाँ से हम लिख देंगे यहाँ जो नहीं है उसके जगह पर हम लिख देंगे आठ है और इसकी जगह पर हम बारह को लिख देंगे तो यहाँ से इसको हम गुड़ा करेंगे जैसे हम तो दो से काटते हैं दो से देख रहे हैं सब सब कट के आ रहा है तो दो से इसको काटेंगे चार से काट रहे हैं तो चार तिया ही बारह इसको चार से काटेंगे चार दूनी आठ और चार दूनी आठ सात दूनी चौदह बारह दूना चौबीस और पांच पंद्रह बारह चौदह मतलब चौदह चौबीस और पंद्रह के अनुपात में निकल के आ रहा है तो बताया गया है कि याद ए और सी के शेरों का अनुपात शेरों में दो सौ चौदह का अंतर चौ� है ए और सी में कितने का अंतर है हम कहेंगे यहाँ पर एक का अंतर है एक बराबर दो सौ चौदह दिया गया है दो सौ चौदह दिया गया है तो हमको तो यक्ष का मान बताना है तो यक्ष का मान मतलब टोटल का मान निकाल के बताना है तो पाँच चार नौ पाँच चार नौ और चार पाँच चार नौ और चार करेंगे तो तेरह निकल के आने वाला तेरह के तीन और एक एक दो दो चार चार एक पाँच तिरपन गुढ़े दो सौ चौदह तिरपन गुड़े अगर हम फ्रेंड्स दो सौ चौदह करते हैं तो चार बारह तो इकाई के अंक से देखेंगे अंत में क्या क्या तो अंत में में क्या आने आने वाला वाला दो दो निकल के है तो फ्रेंड्स सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर जब बी में दिख रहा तो ऑप्शन नंबर बी को हम फ्रेंड्स यहाँ पर हम सही लगा देंगे और ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से तो अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स पर एक व्यापारी ने अठावन अठावन में वाटर कूलर खरीदा एक व्यापारी ने अठावन सौ में वाटर कूलर खरीदा वह इसके अंकित मूल्य पर बारह परसेंट की छूट देता है और फिर भी दस परसेंट का लाभ प्राप्त होता है अगर किस भी, भी, भी प्रश्न में फ्रेंड्स कहीं पर लाभ दिया गया है और यहाँ पर छूट दिया गया है तो हम कहेंगे एम और सी का रेशियो का क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ से हम कहेंगे इनका अनुपात अगर हम निकालते हैं सी और एम का सी और एम का कहा गया है दस परसेंट का लाभ कमाता है तो हम कहेंगे हंड्रेड माइनस डी हंड्रेड माइनस डी परसेंटेज और यहाँ पर हो जाएगा हंड्रेड प्लस प्रॉफिट

आगे लाभ वाटर कूलर का अंकित मूल्य क्या है हमको एम पी निकालना है जब वाटर कूल खरीदा जाता है कितने में खरीदा जा रहा है हम कहेंगे चार बराबर दिया गया अट्ठावन सौ अट्ठावन सौ दिया गया तो यहाँ से इसको चार से काटेंगे तो चार से काटने पर यह जा रहा है एक बराबर निकल के आने है अला अला चौदह सौ पचास चौदह सौ पचास जब निकल के चार बराबर दिया गया अट्ठावन सौ और एक बराबर इतना तो पाँच बराबर नहीं निकाल कैसे निकालेंगे चार और एक पाँच चार और एक पाँच कर चार और एक करने पर तो पाँच निकल के आएगा तो चार बराबर दिया गया अट्ठावन सौ एक बराबर आ रहा है चौदह सौ पचास इन दोनों को जोड़ने पर जीरो पाँच और आठ चार बारह और पाँच और एक छः एक सात निकल के आने वाला है बहत्तर सौ पचास फ्रेंड्स इसका आंसर निकल के आ जाएगा तो बहत्तर पचास किस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी सही आता है चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है एक रेस में एक साइकिल चालक पहले चक्कर में 500 मीटर की दूरी 625 सेकंड में तय करता है हम कहेंगे 625 जो सेकंड में तय करता है वह उसी लंबाई के दूसरे चक्कर को तीन सेकंड में पूरे पूरा करता है साइकिल चालक की औसत गति क्या है साइकिल चालक की औसत है? हम कहेंगे एक बार तो 500 मीटर की दूरी को वह 625 सौ सेकंड में और दूसरी बार 500 मीटर की दूरी को तीन सौ पचहत्तर सेकंड में पार कर रहा है तो यहां से इसकी हम चाल निकाल लेंगे चाल बराबर क्या होता तो है दूरी बटा समय चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय तो दूरी दिया गया है 500 सौ मीटर और समय दिया गया है छह सौ पच्चीस सेकेंड अब यहाँ से हम इसको काटेंगे पाँच से काटने पर पाँच से क्या पच्चीस से काटते हैं तो पच्चीस चौका सौ पच्चीस चौका सौ गुड़े पाँच और फिर इसको काटेंगे हम इसको काटेंगे तो पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पंचे यहाँ से निकल कर फिर यहाँ से इसको पाँच से काटेंगे हम तो हम हम से से काट रहे हैं हम इसको तो, तो चाल निकल, निकल के आ जाएगी ए वाली और दूसरी वाली चाल कितनी है हम कहेंगे पाँच सो बटे तीन सौ पचहत्तर इसको हम काटेंगे अब फिर पच्चीस से जब पच्चीस से काटेंगे इसको फ्रेंड्स हम तो यह जाएगा पांच गुड़े चार बार फिर यहाँ से इसको काटेंगे हम पच्चीस से तो पच्चीस से काटने पर यह जा रहा है पच्चीस इकनम पच्चीस पच्चीस इकनम पच्चीस निकल के आ जाएगा उसके बाद बचेगा यहाँ पर बारह एक सौ पच्चीस तो हम कहेंगे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस तो यह पंद्रह बार जाएगा फिर इसको काटेंगे पांच यही पंद्रह तो हम कहेंगे चार बटे तीन मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल यहाँ पर निकल के आने वाली है तो औसत चाल क्या हो जाएगी औसत चाल बराबर होता है फ्रेंड्स औसत चाल बराबर क्या होता है टू यक्स वाई बटे प्लस वाई तो टू गुड़े है चार बटे पांच और फिर वाई का मान दिया गया है चार बटे तीन बटे चार बटे पांच प्लस चार बटे तीन तो यहां से जब इसको फ्रेंड सॉल्व करेंगे हम चार दून चार चौक सोलह दूना बत्तीस चार चौक सोलह दूना बत्तीस बत्तीस बटे पांच पंद्रह और जब इसको फ्रेंड सॉल्व करेंगे हम तो इसको सॉल्व करने पर पांच पंद्रह आएगा या ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा फ्रेंड्स नीचे आएगा यहाँ पर चार तिहाई बारह और पांच चौक बीस चार तिहाई बारह और पांच चौक बीस कुल मिलाकर बत्तीस यहां पर भी निकल के आ जाएगा तो हम कहेंगे बत्तीस 32 से बत्तीस 32 15 से पंद्रह 15 तो इसकी जो औसत चार निकल के आने वाली हुआ एक मीटर प्रति सेकंड निकल के आने वाली है तो एक मीटर प्रति सेकेंड किस में दिया गया फ्रेंड्स हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका एवरेज निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर बी सही होता है यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक बेलना आंतरिक त्रिज्या चौदह मीटर है में दस मीटर की गहराई तक पानी भरा है तो हम पहले देखते हैं यहाँ से फिगर के तौर पर तो यहाँ से देखेंगे तो यह एक बेलनाकार कार आकृत होती है तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है वह चौदह मीटर की दी गई है आगे बताया गया यहाँ पर दस मीटर ऊंचाई तक ऊपर तक ले पानी भरा हुआ है पानी भरा हुआ है कितने तक दस मीटर ऊंचाई तक तो एच बराबर दस आएगा और आर बराबर दिया गया है चौदह मीटर के तो हमको निकालना है कि सतह गीली सतह का कुल क्षेत्रफल कितना निकल के वाला है अगर हमको गीली सतह का कुल क्षेत्रफल निकालना हुआ तो हमको क्षेत्रफल बताना है कि बेलन का क्षेत्रफल प्लस जो है जो वृत्त दिया गया है इसका क्षेत्रफल तो हम कहेंगे बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एच होता है पाई टू पाई आर एच होता है और प्लस अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हुआ तो पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर होता है तो यहाँ से पाई पाई कामन ले लेंगे उसके बाद आर है आर भी कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा टू यच प्लस का आर तो यच बराबर अगर हम सबका मार रख देंगे यहाँ तो पाई बटा बा, बराबर बाई बटा सात गुड़े आर बराबर दिया गया है चौदह और यहाँ से दो गुड़े दस प्लस का चौदह तो दस दूना बीस और चौदह करेंगे तो कुल मिलाकर चौंतीस आएगा और इसका मान कितना आएगा दो आएगा तो यहाँ से दो से दो कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ग्यारह गुड़े चार और घुड़े का चौंतीस तो बराबर निकल चौंतीस चौका करेंगे हम तो एक सौ छत्तीस निकल के आने वाला है एक सौ छत्तीस घुड़े ग्यारह करेंगे तो अब हमको ग्यारह से गुड़ा करना आसान हो जाता है इसलिए हमने फ्रेंड्स यहाँ पर चार से भागा दे दिए हैं तो छा क्या होता है ग्यारह से गुड़ा करने पर तो अंत में जो आता है छह लिख देते हैं उसके बाद इन सभी को जोड़ छीन जो नौ हो जाएगा और फिर आगे नौ तीन और एक चार हो जाएगा और एक हो जाएगा आगे जो लिखा है एक तो चौदह मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल के आने वाला है गीली सतह का तो यह किस में दिया गया चौदह सौ छियानबे हम कहेंगे यह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक धनराशि r ब्याज दर पर चक्रवृद्धिदित किए जाने पर दो वर्ष की अवधि के बाद 34560 हो जाती है और तीन वर्ष की अवधि के बाद 41472 हो जाती है तो r का मान बताना है हम कहेंगे कोई धनराशि है p है तो यह 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है हम कहेंगे 34560 हो जाती है तो एक वर्ष बाद कहा गया तीन वर्ष का मतलब दो वर्ष तो इधर हो गया एक वर्ष बचेगा तो एक वर्ष बाद कितना हो जाता है इकतालीस हज़ार चार सौ बहत्तर हो जाती है तो हम कहेंगे एक वर्ष का क्या लगा होगा यहाँ पर साधारण ब्याज लगा होगा तो एक वर्ष यहाँ से इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला अगर हम बारह में से दो घटाएंगे जीरो घटाएंगे तो यहाँ से निकल के दो में से ज़ीरो घटाएंगे तो दो आएगा और सात में से छः घटाएंगे एक आएगा और चौदह में से नौ पाँच घटाएंगे तो नौ आएगा आगे यहाँ पर दिया गया जीरो जीरो में से अगर दस में से चार घटाते हैं दस में से अगर हम चार घटाते हैं तो छः आता है उनहत्तर सौ बारह निकल के आ जाता है यह कितने में हुआ हम कहेंगे चौंतीस सौ चौंतीस हजार पाँच सौ साठ पर ब्याज हुआ है तो गुड़े सौ परसेंटेज गुढ़े सौ परसेंटेज यहाँ से हम निकाल देंगे तो जीरो से जीरो काटेंगे जीरो से जीरो काटने पर हम कहेंगे यह जा रहा है चौंतीस सौ छप्पन से या उनहत्तर तो सौ बारह कितनी बार जा रहा है हम कहेंगे यार दो बार जा रहा है तो कुल मिलाकर यहाँ से निकल के आने वाला है बीस परसेंट का ब्याज कितने का आर बराबर कितना आएगा बीस परसेंट निकल के आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दिया गया किरण किरण विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं एक जूस फैक्ट्री में कौन कौन है किरण विशाल और दिनेश हैं विशाल जितना जूस तीन घंटे में निकाल सकता है किरण उतना जूस निकालने में दो घंटे का समय लेता है किरण जो है जितना जूस जितना जूस जो दो घंटे में निकाल सकता है दो घंटे में निकाल सकता है उतना जूस जो है उतना जूस जो है विशाल जो है तीन घंटे में निकालता है कितने में विशाल विशाल तीन घंटे में निकाल यहाँ से किरण और विशाल का हम रेशियो निकाल लेंगे तो विशाल और सॉरी चाहे किरण और विशाल का निकालें चाहे विशाल और किरण का विशाल और किरण का हम निकालते हैं विशाल और किरण का यहाँ से रेशियो निकल के आएगा क्या दो बटे तीन रेशियो निकल के आ जाएगा या इनका एफिशिएंसी है क्या फ्रेंड्स या इनका कार्य क्षमता है आगे आगे दिया गया है किरण जितना जूस किरण जो है जितना जूस चार घंटे में निकालता है निकालती है दिनेश उतना जूस पांच घंटे में निकालता है पांच घंटे में दिनेश निकालता है तो यहां से किरण और दिनेश का एफिशिएंसी क्या निकल के आने वाला है किरण और दिनेश का निकल के आने वाला है यहां से पांच बटा चार पांच बटा चार तो दोनों में क्या कामन है हम कहेंगे दोनों में फ्रेंड्स किरण कामन है तो किरण का यहां पर तीन दिया गया है और यहां पर किरण का पांच दिया गया है हम कहेंगे जब इसमें हम पाँच से गुड़ा कर देंगे और यहाँ पर पाँच गुड़ा करना पड़ेगा और इसमें कितने से तीन से गुड़ा कर देंगे हम तो दोनों किरण बराबर नहीं हो जाएंगे यहाँ हर जगह पर तो हम कहेंगे विशाल यहाँ पर कितना आ रहा है दस विशाल विशाल दस निकल के आ रहा है और किरण पंद्रह और दिनेश दिनेश चार यहीं बारह निकल के आ रहा है अब आगे क्या बताया गया है आगे बताया गया है कि याद हुए सभी एक साथ काम करें तो ये टंकी को जूस से 48 घंटों में भरा जा सकता है तो सभी काम करते हैं तो हम कहेंगे 15, बारह करेंगे तो सत्ताईस आएगा सत्ताईस दस सैंतालीस निकल के आने वाला है तो कहा गया है अड़तालीस घंटों में भर देंगे अगर सैंतालीस गुड़े सॉरी सैंतीस आएगा पंद्रह दस पंद्रह बारह सत्ताईस दस सैंतीस सैंतीस निकल के सैंतीस घुड़े अड़तालीस में भरा या टोटल वर्क है टोटल क्या है फ्रेंड्स या टोटल वर्क है यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी भर को भरने में कितना समय लगेगा तो दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है बारह है तो बारह से हम इसको भागा दे देंगे तो बारह से इसको भागा दे देंगे बताया गया कितना समय में भर जाएगा तो बारह चौक अड़तालीस चार बार चला जाएगा तो सैंतीस गुड़े चार करेंगे तो सात चौक अट्ठाईस सात चौक अट्ठाइस और चार तिहाई बारह बारह और दो करेंगे तो चौदह एक सौ अड़तालीस घंटे में भर जाएगा अगर दिनेश उसे अकेला भरने की कोशिश करता है तो हम कहेंगे अड़तालीस से एक सौ अड़तालीस घंटे में ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऑप्शन क्या दिया गया है याद यपान यक्स प्लस वाना पान वाई प्लस वन अपान जेड बराबर एक दिया गया है तो यक्स बराबर हम कहेंगे क्या निकल के आने वाला है अगर हम यक्स बराबर तीन रखेंगे वाई बराबर भी तीन रखेंगे और जेड बराबर भी तीन रखेंगे तो फ्रेंड्स इसका मान एक निकल के आ जाएगा तो जहाँ जहाँ पर लिखा गया हम वहाँ पर लिख देंगे जैसे तीन मतलब एक बटा अगर तीन में से एक घटाएगा तो एक बटा दो बचेगा और यहाँ पर एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन तो हम कहेंगे दो बटा तीन निकल के आ जाएगा प्लस एक बटा दो आएगा और गुड़े में एक फिर दो बटा तीन निकल के आ जाएगा फिर प्लस में एक बटा दो और गुड़े में दो बटा तीन यहाँ से दो से दो चला जाएगा दो से दो जाएगा दो से दो जाएगा तो एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन प्लस एक बटा तीन बराबर एक निकल के आ जाएगा तो एक फ्रेंड्स किस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है चलते हैं यहाँ से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दो वृत्त एक दूसरे को बाहता पी पर छूते हैं कहाँ पर छू रहे हैं फ्रेंड्स हम दो वृत्त बनाते हैं यहाँ से एक वृत्त यह हो जाएगा और एक वृत्त यह हो जाएगा और कहा गया आप बाहता यहाँ पर छू रहे तो P पर छू रहे हैं यहाँ पर P बिंदु हो गया है आगे ए बी दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुपर्श है ए बी जो है ए बी दोनों वृत्तों के ए बी है या ए है और या बी है यहाँ पर अनुपर्श कर रही है दोनों को तो हम कहेंगे ए और बी स्पर्श बिंदु हैं सही है तो कोण पी ए बी हम इन दोनों को मिलाते हैं यहाँ से यहां से इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं तो कहा गया है कि कोड कोड पी ए बी मतलब कि ए का मान दिया गया है कोड चालीस डिग्री और कोड बताना है कि ए बी पी का माप क्या आएगा मतलब कि कोड बी का माप हमको बताना है कि क्या निकल के आएगा अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से दिया गया है तो हम कहेंगे यहाँ पर जो कोड बनेगा इन दोनों के बीच में जो यह कोड़ बनेगा यह हमेशा फ्रेंड्स 90 डिग्री कोड बनता है अगर स्पर्श रेखा है वह दोनों को काट रही दोनों वृत्त और दोनों वृत्त आपस में चिपके हुए हैं तो अगर हम जहाँ पर चिपका हुआ है उस बिंदु से मिलाते हैं स्पर्श रेखा को तो हम कहेंगे वह नाइन्टी डिग्री का कोड़ बनाती है तो अब बात करते हैं त्रिभुज के दोनों मतलब कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है तो यहाँ से हम कहेंगे 180 में से 9 चार तेरह तेरह को 130 को घटाएंगे 180 में से जैसे हम 130 को घटाएंगे तो यहाँ पर 50 डिग्री आने वाला है तो 50 डिग्री ऑप्शन नंबर बी मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में है तो ऑप्शन नंबर सॉरी ए में है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही मान निकल के आ जाएगा तो कोड बी का मान क्या आएगा पचास डिग्री आ जाएगा चलते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया व्यंजक वन प्लस वाई प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपान वाई की घात फोर प्लस वन अपान वाई की घात एट वन माइनस वाई का मान क्या होगा का मान क्या निकल के आएगा अगर फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है तो हम कहेंगे इसको और इसको एक जगह लेकर आएंगे तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या फार्मूला था ए माइनस बी और ए प्लस बी यही फार्मूला फ्रेंड्स यहाँ पर हर जगह कोने कोने पर बनेगा जैसे यहाँ से हम लगाएंगे तो यह बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस वाई का होल स्क्वायर अब यहाँ पर प्लस में है वन प्लस वाई और फिर बन जाएगा फ्रेंड्स वन माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस वन पान वाई वाई स्क्वायर तो यहाँ से बन जाएगा फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर उसके बाद उसके बाद यहाँ से बन जाएगा हम कहेंगे यहाँ पर बन जाएगा इन दोनों को मिलाकर वन माइनस वाई की घात फोर फिर इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा हम कहेंगे इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा यहाँ पर वन माइनस वाई की घात एट फिर इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स हम कहेंगे यहाँ पर बन जाएगा आपकी बार बनेगा वन माइनस वाई की घात आठ धूनी सोलह आठ धूनी सोलह हम कहेंगे वन माइनस वाई की घात सोलह किस में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है कितना है 47 रन है कितने पारियों का 27 तो इसका योग नहीं निकाल पाएंगे हम योग निकाल लेंगे यहाँ से 27 गोड़े 47 करने पर 1269 आएगा 1269 इनका योग आएगा आगे पारी में उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से एक अधिक है हम कहेंगे यहाँ पर एच माइनस एल बराबर दिया गया है एक सौ सत्तावन एक सौ सत्तावन अधिक याद दो पारियों को हटा दिया जाए मतलब कि पच्चीस पारियों का औसत कितना निकल के आएगा हम कहेंगे पच्चीस पारियों का औसत बयालीस आएगा अगर यहाँ से पच्चीस गुड़े करते हैं तो ये पच्चीस गुड़े करने पर निकल के आने वाला है दस दस पचास किन दो पारियों को हटाया गया है हम कहेंगे इन दोनों पारियों का यहाँ से योग निकल के आएगा एच प्लस यल का एच प्लस योग यल का योग निकल के आने वाला है इसमें से घटाने पर इसको इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर निकल के आने वाला है दो सौ उन्नीस कितना दो सौ उन्नीस निकल के आने वाला है तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए उच्चतम स्कोर हमको बताना है कि क्या निकल के आने वाला है तो यहाँ से यच और यच हम कहेंगे इसको माइनस है यहाँ पर माइनस एल लिखा देंगे तो कितना दिया गया एक सौ सत्तावन दिया गया तो इसमें से हम दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है हाई स्कोर हाई स्कोर क्या आ जाएगा टू एच टू एच बराबर निकल के आना है नौ सात नौ सात करेंगे तो यहाँ पर सोलह आएगा और पाँच और एक पाँच और एक छः एक सात आएगा दो एक तीन आएगा तीन सौ छिहत्तर दो से काटेंगे इसको तो दो से काटने पर फिर से अठारह दोनों छत्तीस एक जाएगा एक बार फिर आठ दोनी सोलह अठारह दोनों छत्तीस फिर आठ हम कहेंगे एच बराबर निकल के आना हाई स्कोर निकल के आएगा उसका एक रन एक किस में दिया गया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को अब इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है एक संकवाकार आकार का प्याला है मतलब संकवाकार एक आकार का प्याला है कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से दिया गया शंकु का आकार में अब बताना है कि जब आइसक्रीम से भरा हुआ होता है यह आइसक्रीम से भरा हुआ है यह कैसे बनाओ फ्रेंड्स आइसक्रीम से कुछ इस प्रकार से होता है इसकी या होती है यहाँ से या इस प्रकार से तो यह आइसक्रीम से भरा हुआ होता है तो इसके खुले से सीर, खुले सिरे पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है मतलब जो खुला हुआ सिरा है यहाँ पर गोलार्ध के आकार का हो जाता है

कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स ऊपर बनेगा कुछ इस तरीके जब ऊपर बनेगा तो हम कहेंगे अर्ध गोले का भी आयतन से हम निकाल लेंगे तो अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन तो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है हम कहेंगे शंकु 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 पहले का का आयतन लिखते हैं तो का आयतन होता है एक बटे तीन पाई आर स्कवायर एच प्लस अर्ध गोले का आयतन दो बटे तीन पाई आर क्यूब आर का मान दोनों जगह फ्रेंड्स हम कहेंगे दोनों जगह सेम ही है तो हम कहेंगे एक बटा तीन पाई कामन ले लेंगे और आर को भी कामल लेंगे आर स्क्वायर को भी हम कामन ले लेंगे तो यहाँ पर यश बचेगा और यहाँ पर दो आर बचेगा टू आर बचेगा तो यहाँ से यश बराबर है सात सात है और आर बराबर तीन है तीन दून छत सात और छ करेंगे तो हम यहाँ पर तेरह निकल के आने वाला है इसका मान तेरह आ जाएगा और गुड़े आगे क्या निकल के आने वाला हम कहेंगे तीन तरीका नौ गुढ़े नौ और गुड़े में बाईस बटा सात बाईस बटा सात और गुड़े एक बटा तीन एक बटा तीन उत्तर में दिया गया हम कहेंगे अंश में हर में इक्कीस है हर जगह इक्कीस है तो हम यहाँ से काटेंगे नहीं इसको इसको सिंपली गुड़ा करना है हम कहेंगे सात तरीक इक्कीस एक बटा इक्कीस मगर तो अंश में क्या निकल के आएगा अंश में जो निकल के आने वाला है चार तीन नौ तेरी सत्ताईस और सत्ताईस जूनों चौवन तो यहाँ पर देख रहे हैं हर में फ्रेंड्स अंत में चार चार दिया गया है अंत में चार चार दिया गया है तो अब इसको हमको गुड़ा ही करना पड़ेगा गुड़ा ही करना पड़ेगा जैसे तेरह नवैया करेंगे तो तेरह नवैया एक सौ सत्तर आएगा तेरह नवहैया एक सौ सत्तर आएगा एक सौ सत्रह गुड़े बाईस करते हैं हम तो बाईस करने पर यहाँ पर सात दूनी चौदह आएगा सात दूनी सात दूनी यहाँ पर निकल के आने वाला है चौदह सात दूनी चौदह और दो एक अन्नम बाईस दो एक्न्नम दो और एक तीन और दो एकनमम दो फिर सात दूनी चौदह दो सौ चौंतीस निकल के आएगा इन दोनों को जोड़ने पर चार और चार तीन सात और तीन दो पाँच और दो पच्चीस सौ चौहत्तर निकल के आ जाएगा पच्चीस सौ चौहत्तर बटे का इक्कीस तो यह सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा या फ्रेंड्स किस में दिया गया है हम कहेंगे यह दिया है ऑप्शन नंबर सी में तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सही आता है यहाँ से आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया होम है होमवर्क का फ्रेंड्स प्रश्न है होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा चार विकल्प दिए गए हैं चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आता है धन्यवाद दोस्त आप सभी को बताना है फ्रेंड्स आप सभी जो है पंद्रह में से कितने का सही जवाब यहाँ पर सही किए हैं तो आशा करते हैं आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट जो है बहुत